माफिया थीक अहमद और उसके भाई खालिद अजीम उर्फ अशरफ हत्याकांड के बाद से पुलिस लगातार सतर्कता बरत रही है। दोनों के सुपुर्द खाक के दौरान भी माहौल खराब करने की कोशिश करने वालों पर पुलिस की कड़ी नजर रही। इसके अलावा जेल में बंद अतीक के गुर्गों पर भी पुलिस सख्त पैरा है। इस बीच सोशल मीडिया के जरिए आपत्तिजनक ट्वीट कर माहौल खराब करने की कोशिश की गई। दस आजाद मुगल नाम से बने इस ट्विटर हैंडल से हिसाब पूरा करने को धमकी दिए जाने के बाद FIR दर्ज की गई है। ट्वीट के वायरल होने के बाद स्पेशल DG के निर्देश पर FIR की गई है। बताते चले कि इस ट्वीट में अतीक अहमद के बेटे अली के पुराने भाषण का वीडियो भी पोस्ट किया गया है। यह ट्वीट तेजी से वायरल होने के बाद विशेष DG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार के आदेश पर प्रयागराज साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है। पुलिस आरोपी के बारे में पूरी जानकारी जुटा रही है। ट्वीट ब्लूटिक वाले द सज्जाद मुगल नाम से बनाए गए ट्विटर हैंडल से किया गया है। 25 अप्रैल को शाम 5:30 बजे के करीब किए गए इस ट्वीट में अतीक अहमद के जेल में बंद दूसरे नंबर के बेटे अली का वीडियो पोस्ट किया गया है। यह वीडियो एक चुनावी सभा का है जिसमें अली भाषण देता नजर आ रहा है। इस वीडियो के साथ कुछ आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई हैं। लिखा गया है कि अभी नस्ल खत्म नहीं हुई, अतीक का ये बेटा अली जिंदा है, हालात वक्त सत्ता बदलेगी, फिर इलाहाबाद भी बोला जाएगा, हिसाब भी पूरा लिया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस ट्विटर हैंडल की लोकेशन जम्मू के पूंछ में है। इसकी गहराई से छानबीन की जा रही है। अहम बात है कि इस ट्विटर हैंडल से अतीक अहमद के बेटे अली का वीडियो एक से ज्यादा बार पोस्ट किया गया है। इसमें 16 अप्रैल 23 अप्रैल और 3 मई को अली के वीडियो ट्वीट किए गए हैं। इस मामले में IPC की धारा 505B और IT एक्ट की धारा 66 के तहत FIR दर्ज की गई है। धारा 505B विभिन्न समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा या वैमनस्य की भावनाएं पैदा करने के आशय से असत्य कथन, जनश्रुति आदि परिचालित करने के अपराध को परिभाषित करती है। वही धारा 66 IT एक्ट से संबंधित है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रभात खबर। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।